मध्य भारतामध्ये काही अंशी पदव्युत्तर व अतिविशेष उपचार अभ्यासक्रम देणारी एकमेव संस्था म्हणजे नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेष उपचार रुग्णालय आहे. परंतु संपूर्ण विदर्भाचा व मध्य भारताचा विचार केल्यास अतिविशेष उपचार सोयी वाढवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवरील तुल्यबळ संस्था निर्माण करण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राच्या श्रेणीवर्धनासाठी अतिविशेष उपचार विभाग व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने 4 मार्च 2014 घेतला होता. परंतु त्यानंतरही हे रुग्णालय बाह्य रुग्ण विभागापुरतेच मर्यादित आहे. आता हे रुग्णालयच इतरत्र पळविण्यात येत असल्याने रविवारपासून जनआंदोलन उभारण्यात आले. आज उत्तर नागपूर युवक काँग्रेसने या आंदोलनाला भेट देऊन कृती समितीच्या आंदोलनाला समर्थन दिले. सकाळपासून संतोष खडसे, राकेश लिखार, आकाश इंदूरकर, पलाश लिंगायत, अभिनय गोस्वामी यांनी साखळी उपोषणात सहभाग घेतला. मेरा नाम निलेश दीपक खोब्रागढ़ है. मैं उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ इस आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय बचाव कृति समिति में हम लोग युवा कांग्रेस इसका समर्थन कर रहे हैं और साखड़ी उपोषण में आज के दिन हम 11 बजे से 5 बजे तक के अपना योगदान दे रहे हैं. इसमें मेरे साथ मेरे बड़े भाई संतोष जी खड़से, राकेश इखार, आकाश इंदूरकर, पलाश लिंगायत और अभिनय गोस्वामी ये मेरे साथ मंच पर उपस्थित है और हम आज हॉस्पिटल बचाव कृषि समिति को समर्थन देते हुए युवक कांग्रेस आज साखड़ी उपोषण आज पूरा दिन करेंगे. और मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब से इस महाराष्ट्र में फडणवीस शिंदे की सरकार आई है तब से इस हॉस्पिटल के साथ में भेदभाव चालू हो चुका था. हमने इसी के स्वरूप जैसे हमको पता चला कि यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही थी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया था कि दवाई जैसी सरकार बनी उसके बाद से ही यहाँ की दवाइयाँ यहाँ सप्लाई करना बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने. हमने उसके लिए दीन साहब को 20 ये मेरे पास में उसके पुरावे है, ये मेरा उसी है. मैंने 20 जनवरी 2023 को मैं दीन सर को अपना निवेदन दे दिया था मैंने कि यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है लैब में टेस्ट के लिए. यहाँ पर साधारण एक आपके पास में क्रोसिन अवेलेबल नहीं है, जो बुखार के लिए यूज़ करती पैरासीटामोल वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो और ये हॉस्पिटल में इलाज कराने कौन आता है.